हेलो एवरी वन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लूसिड इंग्लिश। हमें अपने कन्वर्सेशन में कुछ इस तरह के सेंटेंस यूज करने होते हैं, जैसे सरकार कर्फ्यू लगाने ही वाली है, बारात एकदम आने ही वाली है, वे तुम्हें बर्बाद करने ही वाले थे। तो देखते हैं इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो हमारा पहला सेंटेंस है, सरकार कर्फ्यू लगाने ही वाली है। अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। The government is about to impose a curfew. The government is about to impose a curfew. अगर हमको ये कहना हो सरकार कर्फ्यू लगाने ही वाली थी, है की जगह थी वर्ड यूज करना हो, तो हम इज की जगह वाज वर्ड यूज कर लेंगे। तो हमारा ट्रांसलेशन होगा, The government was about to impose a curfew. The government was about to impose a curfew. अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी अबाउट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो कुछ भी होगा उसको सबसे लास्ट में लिख देंगे। देखें, जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में होगा, जैसे वह जाने ही वाला है, वह खाने ही वाला है, लास्ट में है आएगा, तो हम बी की जगह हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लिखेंगे। इज एम आर जो है बी की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट टाइम को बताता है। इज सिंगुलर वर्ब है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट ही सीट या किसी सिंगल पर्सन का नाम यूज करते हैं। एम के साथ हमेशा आई का यूज करते हैं। आर प्लूरल वर्ब है, इसलिए इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट यू वी दे का यूज करते हैं। अगर हमारे सेंटेंस के लास्ट में था वर्ड आता है, जैसे वह जाने ही वाला था, वह खाने ही वाला था, तो हम बी की सेकेंड फॉर्म वाज वर्ब का यूज करते हैं। ये बी की पास्ट फॉर्म है जो कि पास्ट टाइम को बताती है। वाज सिंगुलर वर्ब है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट आई या किसी सिंगल पर्सन का नेम यूज करते हैं। वर्ब प्लूरल वर्ब है, इसलिए इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट यू वी दे का यूज करते हैं, यानी कि बी खुद यूज नहीं होता। अगर आपका सेंटेंस के लास्ट में है वर्ड आया है तो बी की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट वाली फॉर्म इज एम आर यूज करते हैं। अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में था वर्ड आया है तो बी की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म वाज वर यूज करते हैं। अब बी अबाउट टू की मीनिंग को समझते हैं। तो हिंदी में बी अबाउट टू की मीनिंग होगी ही वाला है या ही वाला था, यानी कोई काम होने ही वाला है या होने ही वाला था, इस सेंस में बी अबाउट टू का यूज करते हैं। इंग्लिश में बी अबाउट टू के सेंस को समझते हैं, इफ़ समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून, यानी कि कुछ अगर बहुत जल्द ही होने वाला है या बहुत जल्द होने वाला था, उस सेंस में हम बी अबाउट टू यूज करते हैं। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, बारात आने ही वाली है। इसे इंग्लिश में कहेंगे, द प्रोसेशन इज अबाउट टू कम, मीन्स प्रोसेशन विल कम वेरी सून, यानी बारात बहुत जल्द ही आ जाएगी। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे कहें, बारात एकदम आने ही वाली है, या बारात बिल्कुल आने ही वाली है, या बारात इसी वक्त आने वाली है, तो इसमें अबाउट से पहले जस्ट का यूज करेंगे। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, द प्रोसेशन इज जस्ट अबाउट टू कम, द प्रोसेशन इज जस्ट अबाउट टू कम, यानी द प्रोसेशन विल कम वेरी वेरी सून। तो यहाँ पर जस्ट का यूज सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं, यानी कोई काम अगर बहुत जल्द होने वाला है तो बी अबाउट टू यूज करेंगे, लेकिन कोई काम एकदम अब भी होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है, तो जस्ट भी यूज कर लेंगे। अगर ये कहना हो बारात आने ही वाली थी, यानी है के जगह थी वर्ड यूज कर लें, तो हम इंग्लिश में इस की जगह वाज वर्ड यूज करेंगे। तो इसे इंग्लिश में हम कहेंगे, द प्रोसेशन वाज अबाउट टू कम, द प्रोसेशन वाज अबाउट टू कम। प्रोसेशन में बारात भी होता है और जुलूस भी होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे तुम्हें बर्बाद करने ही वाले हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे, दे आर अबाउट टू डिस्ट्रॉय यू, दे आर अबाउट टू डिस्ट्रॉय यू। अगर आपको कहना हो वे तुम्हें बर्बाद करने ही वाले थे, यानी है के जगह थे वर्ड यूज करना हो, तो हम इंग्लिश में आर के जगह वर यूज कर लेंगे। तो हमारा ट्रांसलेशन होगा, देवर अबाउट टू डिस्ट्रॉय यू, देवर अबाउट टू डिस्ट्रॉय यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने ही वाली है। इसे इंग्लिश में कहेंगे, सी इज़ अबाउट टू ब्रेकअप विथ हर बॉयफ्रेंड। अगर आपका सेंटेंस हो कि वह अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने ही वाली थी, तो आप इच के जगह वाज लगा देंगे, तो आपका जो सेंटेंस होगा वो होगा, सी वाज अबाउट टू ब्रेकअप विथ हर बॉयफ्रेंड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई एम अबाउट टू स्लीप, यानी मैं सोने ही वाला हूँ। अगर आप ये कहते हैं कि आई वाज अबाउट टू स्लीप,
यानी मैं सोने ही वाला था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सी इज़ अबाउट टू क्राई, यानी वह रोने ही वाली है। अगर आप ये कहते हैं कि सी वॉज अबाउट टू क्राई, यानी वह रोने ही वाली थी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।